दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का प्रोटेस्ट और तेज और बड़ा रूप ले सकता है। खाप पंचायतों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बंद की घोषणा की जाएगी। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खाप पंचायतों के 30 से ज्यादा प्रतिनिधि जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। सर्व खाप पंचायत का संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि यह दुखद है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज हुई और न ही शिकायतों के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम पहलवानों का समर्थन करते हैं। धनखड़ खाप, जाखड़ खाप, अहलावत खाप, कांदिया खाप, बिरोहा बारा, फुगाट खाप, शिरावत खाप, हुड्डा खाप, रोहता खाप 84, नंदल खाप, मलिक खाप और झज्जर 307 खाप पहलवानों के समर्थन में है। सभी खाप नेताओं ने बैठक की है और आगे की रणनीति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना तय किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहलवानों के पक्ष में नहीं आता है तो अलग अलग राज्यों के खाप पंचायतों को दिल्ली में बुलाकर रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं फुगाट खाप के प्रमुख बलवंत नंबरदार ने कहा कि हमने हमारे बच्चों का समर्थन किया है और हमारा उनमें भरोसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। पहलवानों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोपों को गंभीरता से देखते हुए WFI प्रमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट में काफी उम्मीद है। बता दें, पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।